क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है? ए और बी वेक्टर क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ठीक है। नाउ अब हमें शो करना है, प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 cos θ/2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। ए प्लस बी का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब इस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब हम किसी भी सेम वेक्टर का करते हैं तो उसका वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए डॉट ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी करेंगे तो बी का स्क्वायर बन जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड का। अब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, डॉट प्रोडक्ट में सेम होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में नेगेटिव होते हैं दूसरे के। सो इसको हम 2a.b लिख सकते हैं, क्लियर। प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1, 1 का स्क्वायर 1, क्लियर यहां तक। और यहां हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो अब ये कहां तक आ गया, 2 + 2a.b। अब ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। सो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट में, क्लियर। ए और बी का मैग्नीट्यूड 1, सो 1 × 1 1 हो गया, और ये × 2, सो 2 + 2 cos θ बन गया अभी तक आपका। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब बट हमें अभी क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें शो करना था 2 cos θ/2। तो यहां से हिंट देखो, यहां पे अभी हमारे पास cos थीटा है, हमें प्रूफ में cos θ/2 लाना है, तो यहां पे हम cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी क्या थी, 2 cos²θ/2 − 1 हो जाएगा। देखो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी थी आपके पास 2 cos²θ − 1, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos²θ/2, यानी हमने एंगल यहां भी हाफ कर दिया और यहां भी हाफ कर दिया, क्लियर। तो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 + 4 cos²θ/2 − 1, −2 सॉरी, ब्रैकेट ओपन हुआ, 2 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, 2 − 2 कट जाएगा, यानी आपका क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos²θ/2, ठीक है। और ये अपॉन 2 सिर्फ थीटा में है, पूरे में नहीं है, ठीक है। तो 4 से नहीं कट सकते। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 cos²θ/2 का रूट करेंगे तो 2 cos θ/2, जो हमें प्रूफ करना था, क्लियर। तो हेंस प्रूफ।